वाल्ट डिज्नी का जन्म 5 सितंबर 1901 को शिकागो में हुआ था। वो 5 भाई बहन थे। वाल्ट डिज्नी को बचपन से ही चित्रकला का बहुत शौक था। उन्होंने 7 वर्ष की आयु में ही अपना पहला चित्र अपने पड़ोसी को बेचा था। स्कूल के दौरान उन्होंने चित्रकला और फोटोग्राफी सीखी और एक पत्र के संपादक भी रहे। उन्होंने अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के रात्रि स्कूल में दाखिला ले लिया। स्नातक की उपाधि पाने के बाद वो सेना में जाना चाहते थे, लेकिन कम उम्र की वजह से नहीं जा सके। इसके बाद वाल्ट डिज्नी रेड क्रॉस में शामिल हो गए और एम्बुलेंस चलाने लगे। कहते हैं कि उन्होंने एम्बुलेंस को रंग बिरंगे कार्टूनों से सजा रखा था। कानवास सिटी लौटने के बाद उन्होंने विज्ञापनों के लिए कार्टून बनाना शुरू कर दिया। 1920 में वो कार्टून एनिमेटर बन गए। उन्होंने कड़ी मेहनत से ऐसी प्रक्रिया तैयार कर ली जिससे लाइव एक्शन और एनिमेशन का खूबसूरत मेल था। कुछ वर्ष बाद वाल्ट डिज्नी अपनी ड्राइंग सामग्री और एक संपूर्ण एनिमेशन फिल्म में साथ हॉलीवुड आ पहुंचे। तब तक वे अपनी एक कर्मचारी एलिन से विवाह कर चुके थे और उनकी जुड़वा पत्नियां थी। 1928 में वो मिक्की माउस पात्र के साथ सामने आए। उन्होंने प्लेन क्रेजी नामक पहला मूक कार्टून बनाया। फिल्मी में उस समय तक आवाज की तकनीक विकसित नहीं हुई थी। स्टीम बिली में उन्होंने मिक्की माउस को एक स्टार की तरह पेश किया। 18 नवंबर 1928 को न्यूयॉर्क में ये कार्टून दिखाया गया। वाल्ट डिज्नी वाल्ट एक स्वप्नदर्शी अन्वेषक थे। वो अपने बेहतरीन एनिमेशन फिल्मी के लिए जुटे रहे। सिली स्फिंक्स के दौरान टैक्सी क्लर एनिमेशन सामने आया। 1932 में फ्लावर्स एंड ट्रीज के लिए उन्होंने 32 में से पहला निजी अकादमी पुरस्कार जीता। 21 सितंबर 1933 को उनकी पहली लंबी एनिमेशन फिल्म स्नो व्हाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स लॉस एंजेल्स के कैरेट सर्कल थिएटर में दिखाई गई। फिल्म काफी महंगी थी, परंतु इतनी लोकप्रिय हुई कि अपने व्यय से कहीं ज्यादा धनोपार्जन किया। वह अब भी मोशन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है। अगले 5 सालों में पिनोक्रियो, फंतासिया, डम्बो और बाम्बी जैसी सफल फिल्में बनाई। वाल्ट डिज्नी ने इन फिल्मों के अलावा टीवी के लिए भी कई सफल पारिवारिक शो तैयार किए। 50 के दशक में मिकी माउस क्लब और जोरो काफी लोकप्रिय रहे। वाल्ट डिज्नी ने अपनी कल्पना से विश्व को आश्चर्य में डाल दिया। उन्होंने पूरी दुनिया से 1950 से भी अधिक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त किए। उन्हें 7 एकेडमी और 7 एमी पुरस्कार प्राप्त हुए। अनेक जाने माने विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद उपाधियां प्रदान की। 1955 में उन्होंने 17 मिलियन के निवेश से डिज्नी लैंड तैयार किया। 1980 तक 250 मिलियन लोग वहां जा चुके थे। पूरी दुनिया की गणमान्य हस्तियां वहां जाकर मनोरंजन करने का सौभाग्य पा चुकी है। वाल्ट सही मायनों में कल्पना के जादूगर थे। 15 दिसंबर 1966 को वाल्ट डिज्नी का निधन हो गया।